अगेंस्ट द डेजर्ट स्टोरी थी, ये कंसेप्ट था नेटफ्लिक्स से। उनकी एक मूवी रिलीज हुई थी पिछले साल, आई थिंक 2022 में हुई थी या 2023 में, अगेंस्ट द आइस। हम में से बहुत सारे लोगों ने देखी भी होगी। मैडम, यू हैव अ वाटर बॉटल, प्लीज गिव इट टू मी। वो एक मैंने कंसेप्ट लिया था, वहाँ से मुझे आइडिया हुआ टाइटल से कि मैं इसका नाम अगेंस्ट द डेजर्ट रख देता हूँ। उसमें मैंने वर्क किया, मैंने बहुत सारी स्क्रिप्ट लिखी, मैंने एक तो मूवी भी देखी थी, जो शॉर्ट मूवीज होती हैं यूट्यूब पे, मैंने उनसे सर्च की थी, मैंने देखी, लेकिन उनसे मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं मिला। मैडम, आई मिस यू रेडमैन सो मच। इतना मैंने खुद अपने लिखा सारा कुछ अगेंस्ट द डेजर्ट के ऊपर, खुद एक क्रिएट स्टोरी की मैंने, ताकि अगले बंदे को फील हो कि उसे कुछ न्यू देखने को मिल जाए। तो एक ऐसी स्टोरी थी दो दोस्तों की कि वो जाते हैं एक्सप्लोर करने डेजर्ट में, तो वहाँ पे उन्हें इल्म नहीं होता कि ऐसा कुछ होगा उनके साथ। वहाँ पे एक वायरस होता है जो उनके साथ हादसा पेश आता है, एक दोस्त गायब हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं उससे, तो उसे ढूंढता ढूंढता वो उसे वायरस लग जाता है तरीके से जरिए। और वहाँ के एक रिहायशी होता है जो उस लड़के की किसी तरह हेल्प करता है और उसे ठीक करता है, फिर एंड पे एंड काफ़ी देखा हुआ था। तो ये जो स्टोरी थी, सारा कंसेप्ट एक टाइटल से शुरू हुआ था। Listen, Adam and Jack, you need to go now because this place needs me. Don't worry, we will meet each other soon, very soon. बेसिकली मर्द का दर्द एक शॉर्ट फिल्म है जिसमें मर्द के रियल प्रॉब्लम्स को दिखाया गया है। बेशक हमने इस फिल्म को एक फनी वे में रिप्रेजेंट किया, लेकिन उसमें हमने दिखाने की कोशिश की है कि मर्द कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करता है, फिर ये कौन कौन से सिचुएशन में कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करने होते हैं। अबे जानी, उसने हमें चूना लगाया, वो उस माँ के साथ नहीं, इस माँ के साथ रहता है। हमारे जो डायरेक्टर हैं अमदा जमशेद, वो एक अच्छे वीडियोग्राफर हैं और स्क्रिप्ट राइटर हैं। उन्होंने अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाए जो पहले अपलोड कर चुकी हैं, वो आप यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। और इनमें से एक दमर्द का दर्द, ये भी एक शॉर्ट फिल्म है जो फनी वे में हमने पेश किया, और उसमें बहुत ही अच्छे करेक्टर हैं और इनको बहुत अच्छे अंदाज में पेश किया गया। सुने सुने सुने, आप इंग्लिश की आयशा है ना? जी भाई। भाई यार, क्या मसला है, हर लड़की भाई बुला जाती है। ऐसी लड़की की कहानी होती है जो सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ों का सामना करता है, उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है और वो सारा कुछ वो फील कर रहा होता है, फेस कर रहा होता है, जो उसे नहीं करना चाहिए। बेसिकली वो हमने एंडिंग उसकी ऐसी की थोड़ी मोटिवेटेड, ताकि आवाम उससे कुछ हासिल कर ले कि आजकल जो हमारी सोसाइटी का डिप्रेस्ड होती है।